हालेलुया चर्च, जय मसीह की, आमेन, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने दिलों को तैयार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की किताब में 28 से 31 में ऐसा कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी पर भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर ठाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकेंगे नहीं। आमेन, आमेन। क्या हमारा बल परमेश्वर है आज सुबह की समय? यदि है तो आए हम परमेश्वर की जय साथ मिलकर गाए। तालियों के साथ हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, अपने ऊंचे स्वरों के साथ उस परमेश्वर की जय गाएंगे, क्योंकि वो भला परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ बना है। चरवा
अभिषेक मुझे किया है, उमड़ भी रहा है, सिर पर मला है अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर चरवा हाँ मेरा। कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चरायो में मुझे स्नेह से चरा घर में करूंगा निवास जो मैं करुणा भलाई भी उसकी आनंदित वो आनंदित मुझे करती है सर्वदा वो उसने से चराता वो है हरी चराइयों से वो हरी चराइयों में मुझे उसने से चराता वो है। तालियों का भेंट उस परमेश्वर के नाम दीजिए। यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कोई भी घटी ना होगी। हमारे शत्रुओं के सामने मेज बिछाकर हमें ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर, जो हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर हमारा राजा है। इसलिए हम उस परमेश्वर की जय जयकार गाते हैं, आमेन। इसलिए वो परमेश्वर सारे आदर और महिमा और जलाल और प्रशंसा कि योग्य खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आइए हम मिलकर ये गीत को हम साथ मिलकर गाएं तालियों के साथ। तालियों के साथ उस परमेश्वर की आराधना करें। जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान, एकलौता तू मेमना जो है सिंहासन पर बैठा। का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान, एकलौता तू मेमना जो है सिंहासन पर बैठा। बार बार नाचेंगे बेशुमार, रोशनी ने मिटाया अंधकार। जय जयकार, जय जयकार यीशु मसीह की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु मसीह की, जय
जयकार। तालियों के साथ वो हमारे आदर और महिमा के योग्य है क्योंकि वो जयवंत खुदावंद है। आमेन। चाहे लाख हो तेरी ज्योति ना हारी कभी, हर तरफ जय तेरी ही हो और तेरी हो मर्जी पूरी। आंधिया चाहे लाख हो तेरी ज्योति ना हारी कभी, हर तरफ जय तेरी ही हो और तेरी हो मर्जी पूरी। आएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार, रोशनी ने मिटाया अंधकार। जय जयकार, जय जयकार, जय के साथ मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। वो परमेश्वर हमारा जयवंत खुदा है, वो यहोवा निसी है, हमारा जय का झंडा बना है, इसलिए हम उस परमेश्वर की महिमा गाएंगे। आमेन। जय जय जय, बोलो जय जय जय, यीशु की जय जय जय, बोलो जय जय जय, लो जय 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 जय। अपने हाथों को उठाकर बोलो जय 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 जय, यीशु की जय, यीशु की जय 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 जय, मैन यीशु की जय 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 जय, बोलो जय 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 जय। जयवंत हुआ है मृत्यु के ऊपर, पाप के ऊपर, और हमें आज सुबह के समय जय देने के लिए वो यहाँ मौजूद है। हमारे पापों के ऊपर, हमारे जीवन के श्रापों के ऊपर हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जयवंत है, और वो जय से भी बढ़कर परमेश्वर है। वो अनंत काल का जीवन हमारे लिए प्रदान करने आया है ताकि हम में से कोई भी नष्ट ना हो, लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करके हम उस परमेश्वर की संगति में सदा बने रहे। क्या ये हमारी आशा है इस सुबह के समय? क्या ये हमारा विश्वास है कि हे परमेश्वर, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तेरा साथ ही चाहता हूं मेरे जीवन में, यही मेरी आशा और दृढ़ निश्चय है। आइए जब हम इस बात को हमारे दिल में अंगीकार करते हैं, सारे महिमा जलाल और प्रशंसा उस परमेश्वर को दे। अपने दोनों हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर उस परमेश्वर को धन्य कहे जो महिमा के योग्य खुदा है। सारा आदर महिमा और जलाल उस परमेश्वर को दे क्योंकि वो योग्य खुदा है। महिमा के योग्य तो आदर के भी, अब
अपने हाथ उठाकर हम आराधना में महिमा के योग्य तू आदर के भी हाथ उठाते आराधना में तेरे नाम की स्तुति हो। तू है महान अद्भुत कार्य है महान तेरे जैसा कोई अद्भुत कार्य है महान तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा के योग्य है वो खुदा परमेश्वर राजाधिराज यहोवा सारा आदर महिमा तेरे नाम को। हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर की महिमा करें। अपने हाथों को उठाकर
तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता हाथों को उठाकर गाएं, अब है पूरा यकीन, पूरा यकीन। क्या ये आपका विश्वास है? तुमसा कोई जो आप इस समय अंगीकार कर रहे हैं, क्या ये आपके लिए सच है कि आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु यीशु जैसा कोई और नहीं है? क्या ये सच है? क्या आपको ये पूरा यकीन है? क्या आपको पूरा यकीन है? क्या आपको पूरा यकीन है कि यीशु जैसा कोई और नहीं है? पूरा यकीन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दानियल नबी की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय की ओर खोलेंगे। दानियल नबी की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय, पुराने नियम में द बुक ऑफ प्रॉफिट दानियल चैप्टर 3। बहुत एक अच्छी किताबों में से है, सारी किताबें बाइबल की अच्छी हैं, लेकिन मेरी पसंदीदा किताबों में से एक किताब है द बुक ऑफ प्रोफेसी, वेरी क्लोज टू माय हार्ट, दानियल नबी की किताब है। कई सारी बातों को इस किताब से हम सीख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज की दोपहर हमारे पास समय कम है, मैं कोशिश करूँगा संक्षेप में जो बात मैं कहना चाहता हूँ, वचन से आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपसे बात करे। और क्योंकि मैं संदेश के बाद कुछ लोग मेरे पास सभा के शुरू होने से पहले आए थे, पास्टर सैमी यहाँ नहीं थे, उन्होंने बोला पास्टर ये नीड है, इसके लिए प्रार्थना करिएगा, तो क्योंकि कुछ समय में लेकर उन लोगों के लिए प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, इसलिए हम लोग तुरंत इस वचन में जाएंगे। तीसरे अध्याय को अगर मैं पढ़ूंगा तो पूरी पढ़ना में समय चला जाएगा, लेकिन आपको एक संक्षेप बता देता हूँ तीसरे अध्याय में क्या हो रहा है। अगर आप फॉलो कर रहे हो, पिछले दो तीन रविवारों से जब मैं संदेश ला रहा हूँ तो मैं मरकुस के ही
सुसमाचार से आपको संदेश दे रहा था और बता रहा था कि कैसे मार्कुस का लिखने का स्टाइल जो है वो कुछ अलग है, और वो किस तरीके से मार्कन सैंडविचेस के स्टाइल को हम देखते हैं, दो कहानियों के बीच में अचानक से एक कहानी के बीच वो दूसरी कहानी ले आएगा अपने किसी एक बात को साबित करने के लिए। और इस तरीके के हर एक ऑर्थर का, हर एक लेखक का जो लिखने का तरीका है वो कुछ अलग है। जो दानियल नबी की किताब है, इसका पहला, तीसरा और छठा अध्याय अगर आप ध्यान से अध्ययन करेंगे, पहला, तीसरा और छठा अध्याय, पहले अध्याय में दानियल और उसके दोस्त राजा के खाने को ठुकराते हैं और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य ठहरते हैं, तीसरे अध्याय में उसके दोस्तों को भट्टी में डाला जाता है, और छठे अध्याय में दानियल को शेर की मांग में डाला जाता है, गुफा में डाला जाता है। तो ये पहला, तीसरा और छठा अध्याय ये जुड़े हुए हैं, इनको आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे वो संदेश क्या देना चाह रहा है। और इसका संदेश ये है कि सताव के बीच में कैसे हम विश्वास योग्य रह सकते हैं, कैसे इन द टाइम ऑफ पर्सिक्यूशन हाउ कैन वी रिमेन फेथफुल, या कैसे हम विश्वास योग्य ठहरे जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो। हो सकता है पिछला हफ्ता या पिछला महीना आपके अनुकूल ना रहा हो, या हो सकता है पिछला साल से लेकर अभी तक आपका समय आपके अनुकूल ना रहा हो, कोई बीमारी है, कोई परिस्थिति है, पारिवारिक समस्या है, और आपको लगता है कब इससे बाहर निकलेंगे। तो ये जो तीन अध्याय, पहला, तीसरा और छठा अध्याय, जब आप इनको निचोड़, इनका निचोड़ देखेंगे, वो ये है कैसे हम सताव के समय में विश्वास योग्य बने रहना है, किसके, प्रभु यीशु मसीह के। और क्योंकि मैं कहानी में आगे पूरे अध्याय को पढ़ना नहीं चाहता हूँ, तो तीसरे अध्याय की जो पृष्ठभूमि है वो दूसरे अध्याय से शुरू हो रही है। जैसा कि मैं बताता हूँ, हर वचन का अर्थ उसी वचन में मौजूद है, कहीं बाहर से हमें कुछ चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। जो तीसरा अध्याय है उससे पहले क्या हो रहा है, दूसरे अध्याय में नबूकदनेस्सर को एक सपना आता है, और उस सपने का अनुवाद करने के लिए जब कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसके राज्य में नहीं पाया जाता तो वो ये आदेश देता है सबको मार दिया जाएगा। और तब दानियल इस बात को सुनता है और कहता है, इस बात को आग्रह करता है कि मुझे राजा तक ले जाओ और मैं उस सपने का अनुवाद करना चाहता हूँ। तो दूसरे अध्याय में वो उस सपने का अनुवाद करता है, और दूसरे ही अध्याय में हम राजा नबूकदनेस्सर का जो स्वभाव है परमेश्वर के प्रति, या उस पर सपने के प्रति जो वो उत्तर देता है, उस बात को देखते हैं। 48वें वचन में लिखा है, तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया। ठीक है, 46वें वचन में लिखा है, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला है, इसीलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। हालेलुया। तो ये दूसरे अध्याय से पृष्ठभूमि चल रही है, वो कहता है कि सच में तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा परमेश्वर सारे ईश्वरों का परमेश्वर है, परम ईश्वर है, परम प्रधान है। वो इस बात को कौन कह रहा है, एक गैर यहूदी जो नहीं जानता है परमेश्वर को, वो ये कहता है कि दानियल सच में तुम्हारा परमेश्वर परम प्रधान है। तो ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, वो कहता है मुंह के बल गिरकर वो दंडवत करता है। वो दंडवत दानियल के सामने नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा यह मानना है दानियल के परमेश्वर के सामने दंडवत करता है और कहता है सच में तुम्हारा परमेश्वर भेदों को प्रकट करने वाला, प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला और प्रकाशनों को दिखाकर उनको बताने वाला परमेश्वर है, आज मुझे समझ में आ गया है। और फिर लिखा है उसके पद को बढ़ाया गया, उसको प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया, और दानियल के आग्रह पे उसके तीन मित्रों को, शद्रक मेशाक और अबेदनगो को भी वो प्रशासनिक सेवा में ले आया, और राजकीय कोर्ट में वो नबूकदनेस्सर का सेवा करने लगे। ये था, ये पृष्ठभूमि थी। अब तीसरे अध्याय में क्या हुआ, स्वभाव बदल गया। अगर आप देखेंगे दूसरे अध्याय में क्या हो रहा है, दूसरे अध्याय का अंत हो रहा है कि नबूकदनेस्सर दंडवत कर रहा है और कह रहा है सच में तुम्हारा परमेश्वर ही परमेश्वर है, लेकिन तीसरे अध्याय में शुरू ऐसे होता है, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ 90 फीट, आज की तारीख में अगर उसको निकालेंगे तो 90 फीट, और चौड़ाई 6 हाथ की थी, यानी लगभग 30 फुट। एक ऊंची मूर्ति उसने बनवाई,
दूसरे में क्या हो रहा था, वो दीन हुआ, खुद को दीन किया, दंडवत किया और परमेश्वर को पहचाना और कहा सच में तुम्हारा परमेश्वर परम प्रधान है, परम ईश्वर है जो सारे भेदों को खोलता है। लेकिन तीसरे अध्याय में हम देखते हैं एक घमंड, अपने लिए एक मूर्ति कि मेरी, और आगे आप पढ़ेंगे तो वो आज्ञा देता है सबको इस मूर्ति की आगे दंडवत करना है। पहले दूसरे अध्याय में नबूकदनेस्सर खुद दंडवत करता है और तीसरे में कह रहा है अब सब मेरे आगे झुको। देखिए कहानियों को समझने का तरीका अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या मुद्दा है वहां पर। कई बार हमारे जीवनों में अ ग्रेट फॉल विल स्टार्ट आफ्टर अ ग्रेट विक्ट्री। कई बार बड़ा गिरना तब शुरू होगा जब एक बड़ी विजय को आप पा लेंगे, क्योंकि अंदर कैसा लगेगा कि मैं कर सकता हूं, मैं ही तो हूं जिसने सब कुछ बनाया, ये जो मैं है, ये जब मैं को हम आगे ले आते हैं तब हमारा गिरना शुरू होता है। पांचवें अध्याय में देखेंगे नबूकदनेस्सर जो है उसके बेटे से बात कर रहा है और याद दिलाता है कि जब तेरे पिता ने, बेलशज्जर से कहता है, जब तेरे पिता ने परमेश्वर के आगे खुद को ऊंचा समझा, घमंड से भर गया, फूल गया, तब परमेश्वर ने उसे नीचे गिराया। अब मैं आज की दोपहर जो है कुछ चिन्हों में बात कर रहा हूं, जिनके कान है वो सुने और जो समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे मैं किस विषय में बात कर रहा हूं। आज भी एक नबूकदनेस्सर जैसी परिस्थिति हमारे सामने खड़ी है। वो कहते हैं प्रार्थना करोगे तो जेल भेजेंगे। कई राज्यों में कानून आ गया है कि चंगाई के लिए आप प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि चंगाई, मुझे तो सुनकर हंसी आती है कि अगर लोग चंगे हो सकते हैं तो आपको खुश होना चाहिए ना, आपको खुश होना चाहिए अगर लोगों को बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है। अंधविश्वास का तो हम खुद बहिष्कार करते हैं, अगर कोई पैसे के नाम से, जैसे पास्टर सैमी ने कहा, पैसे के नाम से कोई चंगाई करता है हम खुद उस बात का विरोध करते हैं, चाहे वो मसीह हो चाहे गैर मसीह हो। लेकिन अगर किसी को फ्री में चंगाई मिल रही है परमेश्वर के नाम से, उस परम प्रधान ईश्वर के नाम से, तो आपको तो खुश होना चाहिए, राइट? लेकिन आज भी आदेश पारित कर दिए जाते हैं, कई राज्यों में निकल चुका है, अगर आप न्यूज पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा प्रार्थना करने पर भी जेल होगी। यानी अगर आप बीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो भी जेल जाएंगे आप। आज भी हमारे सामने नबूकदनेस्सर जैसी एक परिस्थिति खड़ी हुई है ना, एक नबूकदनेस्सर जैसा लोग खड़े उठ खड़े कहते जो मैं बोलूंगा वो होगा। जैसा हम लोग प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं इन 70 दिनों, आज 17वां दिन है, हम लोकतंत्र से एक तंत्र की ओर बढ़ गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है गूगल पर एक नाम टाइप करिएगा, V-DEM, VDEM। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है स्वीडन में जो जितने दुनिया भर में लोकतंत्र पाए जाते हैं उनकी स्टडी करता है, और उसने भारत को डेमोक्रेसी से, लोकतंत्र से हटाकर ऑटोक्रेसी में डाल दिया है, एक तंत्र में डाल दिया है, जहां पर अगो को वोट के द्वारा, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी वोट के द्वारा चुनते तो है लेकिन है वो तानाशाह, और बहुत जल्द वहां से आखिरी जो पड़ाव है वो है मोनार्की, यानी कंप्लीट ऑटोक्रेसी, यानी पूरा एक तंत्र। हम देखते हैं कैसी परिस्थिति हमारे देश में बनी हुई है, और अगर यूपी के अंदर आप देखेंगे यूपी का नंबर 57 में नंबर 1 है। जो कोविड से पहले हम लोग 7वें 8वें 9वें स्थान पर हुआ करते थे, आज यूपी का स्थान 57 में पहले नंबर पर है। क्यों, क्या गलती है मसीह समाज की कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? अगर कोई मंदिर में भीतर आ जाए और हमसे कहे कि पास्टर साहब ये बेटा मेरा बीमार है इसके लिए प्रार्थना कर दी, तो वो हमारा अपराध है कि हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे वातावरण को देश में बना दिया गया है कि जो मैं बोलूंगा वैसा ही होगा। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं, हम इस कहानी में आगे देखेंगे हो क्या रहा है। राजा ने एक आज्ञा दी, पहली बात, राजा ने, द किंग्स कमांड, राजा ने एक आज्ञा दी। पहले वचन से लेकर 7वें वचन में हम एक राजा की आज्ञा को देखते हैं। इन 7 वचनों में नबूकदनेस्सर क्या कर रहा है कि वो एक मूर्ति को बनवाता है, उस मूर्ति को ऊंचा खड़ा कर देता है और कहता है सबको इसके आगे दंडवत करना है। ठीक है, सबको इसके आगे दंडवत करना है। जैसे आज के दिन ये हमारे जो नबूकदनेस्सर है वो कहता है ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जिनके कान है, जिनकी आंखें, वो समझ जाएंगे, है ना? तो ऐसा ही कुछ हमारी परिस्थिति भी है, और आज्ञा क्या थी कि दंडवत करना पड़ेगा, जो नहीं करेगा उसे मरवा दिया जाएगा।
ठीक है। लेकिन इस परिस्थिति में भी हम देखते तीन लोग ऐसे हैं जो किसी के आगे नहीं झुके, इस परिस्थिति में भी। अब आप ये समझिए, नबूकदनेस्सर का जो राजकीय कोर्ट होगा, जो उसका मंत्रियों का, बुद्धिमान लोग उनके संग जो कोर्ट में बैठते होंगे, उस सभा में बैठते होंगे, कई सारे लोग होंगे, लेकिन उन सारे लोगों में से तीन के ऊपर नजर तभी जाएगी जब वो जानबूझकर उस चीज को सामने ला रहे हों। क्योंकि तीन लोगों को कहाँ इतने 100-150-200 लोगों के बीच में पहचाना जा सकता है, यहूदियों को, जो उसको दंडवत ना कर रहे हों, समझ रहे हैं आप। तो वो इस चीज को कहना चाहते थे कि हम नहीं करेंगे, शद्रक मेशाक और अबेदनगो, उसके विरुद्ध एक कंप्लेन को, एक दोष को लगाया गया। दूसरी बात हम देखते हैं 8-12 में, एक दोष को लगाया गया। दोष क्या था कि हे राजा, तू जो तेजस्वी है, ये चुगली करने का तरीका है, आज भी अगर किसी को चुगली करनी होगी ना, तो आप सीधे चुगली नहीं करते हैं, आप पहले थोड़ा सा मक्खन लगाते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि तीन लोग ऐसे हैं, ये यहूदी हैं, जो तेरे मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करते। नबूकदनेस्सर ने लगा मेरे पास प्रस्तुत करो, मैं खुद उनकी पेशी करना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, क्यों नहीं करते। और उन्होंने कहा मैं अभी तुम्हें फिर से मौका देता हूँ, क्या करना है, तुम दंडवत करो और तुम्हारी जानें बख्श दी जाएंगी, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। शद्रक मेशाक और अबेदनगो ने क्या कहा, उन्होंने कहा हे राजा, हमारा राजा हमें बचाने के, हमारा परमेश्वर हमें बचाने के योग्य है, लेकिन अगर वो नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरी आगे दंडवत नहीं करेंगे। विश्वास, सताव के बीच में कैसे विश्वास योग्य बने रहना है। आज की परिस्थिति भी कुछ ऐसे ही है, हो सकता अगला दरवाजा आपका हो। अभी तक हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, हो सकता अगला दरवाजा आपका खटखटाया जाए और कहा जाए वापसी, जैसे अभी वो कहते हैं ना घर वापसी करवाना है। हम तो खुद कहते हैं घर वापसी कराओ, लेकिन सच्चा घर है किसका, उस खुदावन का, उस स्वर्ग। हम तो खुद चाहते हैं सब घर वापसी करें, राइट, लेकिन हमें नहीं पता अभी कैसी परिस्थिति है, चुनाव हमारे सर पर हैं और सारी चीज़ें आ गया। आज शाम को हम लोग इस चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन अभी भी अगर हम नहीं जागे और प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो अगला दरवाज़ा हमारा हो सकता है और होगा, मेरा ये मानना, ये परिस्थिति में होगा। और हम देखते हैं उन तीनों ने तीन चीज़ों को किया, शद्रक मेशाक और अबेदनगो को। पहला चीज़, जो राजा था उसके अधिकार के विरुद्ध में उनने बोला, राजा ने मूर्ति ठहराई, कहा सब कोई मेरे आगे दंडवत करेगा, लेकिन उसने क्या कहा, कहा हम नहीं करेंगे, हम तेरे अधिकार में नहीं चलेंगे, इसके अधीन हम नहीं होंगे। दूसरी चीज, उन्होंने कहा हम दूसरे ईश्वरों के आगे नहीं झुक सकते। तीसरी चीज कि हम जो ये मूर्ति तूने खड़ी करी, इस इमेज के आगे नहीं झुकेंगे। क्यों पता है आपको, व्यवस्था एक्सोडस चैप्टर 20, निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय में 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा परमेश्वर देता है इसराइलियों को, उसी तोरत को या तोरा को वो थामे हुए, व्यवस्था को, कि नहीं, परमेश्वर ने कहा मेरे आगे किसी मूरत को न लाना, किसी दूसरे देवी देवता का आराधना न करना, उसी चीज को, उसी व्यवस्था को अपने उन्होंने ढाल बना रखा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। हो सकता है वो कह सकते थे अरे अभी दंडवत कर लो, हृदय में तो यीशु मसीह है ही ना। आजकल का हमारा जो इथिकल लाइज है, हम लोग ऐसे ही तो करते हैं ना, इथिकल, उसको इथिकल नाम दे दिया है, इथिकल झूठ। क्यों, अरे काम निकालना है अभी कर लो, बाकी तो परमेश्वर समझता है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के राज्य में कोई समझौता नहीं है, या तो आप 100% चेले और मसीह हैं, या तो बिल्कुल नहीं है। जीना बदल दीजिए, समझौता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि सच्चाई यही है, जहां समझौता है वहां यीशु मसीह नहीं है, वहां उसका सामर्थ नहीं है। लेकिन जहां समझौता नहीं है वहां आप सामर्थ से सामर्थ, शक्ति से शक्ति और अभिषेक से अभिषेक की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यू विल स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम पावर टू पावर, विक्ट्री टू विक्ट्री, एंड फ्रॉम अनॉइंटिंग टू ग्रेटर अनॉइंटिंग, व्हेन देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, जहां समझौता नहीं है। हमने देखा यहां पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं है, और ये यही लोग हैं, याद रखिएगा, ये यही ज्ञानी लोग हैं, वही लोग हैं जिनकी जान दानियल ने सपने का अनुवाद कर बचाई है। दूसरे अध्याय में जब उसने अनुवाद किया तो किनकी जानों को बख्शा राजा ने, इन्हीं लोगों की, जो अभी इनके ऊपर दोष लगा रहे हैं। कई बार आपकी जान के पीछे भी वही पड़ेंगे जिनकी जान को आपने बचाया है, और आप पलट कर हमसे पूछेंगे पास्टर इनके लिए प्रार्थना करना है, मैं बोलूंगा बिल्कुल करना है, क्योंकि बाइबल कहती है अपने शत्रु के लिए प्रार्थना कर,
जो तुझे श्राप देता है उसे आशीष दे, ऐसी शिक्षा और कहाँ है? मेरी बात को समझ रहे हैं आप? कई बार वही लोग जिनको आपने बचाया, जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे, वो आपके विरुद्ध हो जाएंगे, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ है, वो परम प्रधान हमारे साथ है। हालेलुया। तीसरी बात, राजा का इन तीन शद्रक, मेशाक और अबेदनगो को सुनने के बाद, उनके दोष को सुनने के बाद, उसने एक और मौका उनके सामने रखा। 13 से 18 में एक मौके को, राजा के एक ऑफर को हम देखते हैं, उन्हें न्योता देता है कि अभी भी वक्त है, अगर तुम दंडवत करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और नहीं करोगे तो भट्टी को कितनी बार गर्म करने के लिए कहा? 7 गुना, 7 गुना, यानी 7 बार और बढ़ा दिया कि बचने की कोई चांसेस ही नहीं थे, क्योंकि हम जानते हैं उसके जो सैनिक उनको डालने के लिए गए वो भी जल गए, इतनी आग थी उस भट्टी में। कभी आप ईंटे के भट्टे के आसपास गलती से भी गए? नहीं गए। उसके दूर दूर तक ना एक बहुत बड़ी बाउंड्री बनी रहती है, क्योंकि ये सरकारी नियम है कि भट्टे के पास ना कम से कम 25-30 फुट का गैप के बाद एक बाउंड्री, ताकि कोई भी गलती से उसके नज़दीक ना जाए, क्योंकि इसमें इतनी आग होती, इतनी गर्म होता है वो। तो तीसरे अध्याय में उनको मौका दिया जाता है कि अभी भी तुम मन फिराओ और मेरे आगे झुक जाओ, मेरी मूर्ति के आगे झुक जाओ और मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन उनका उत्तर क्या था, मैंने आपको बताया क्या उत्तर था? नहीं भी बचाएगा तो भी हम दंडवत नहीं करेंगे। उनको परमेश्वर के बचाने के ऊपर नहीं भरोसा था, उनको यह भरोसा था कि अगर हम जल भी जाएंगे और प्रभु को जरूरत होगी तो वो राख में से भी हम तीनों को वापस बनाने वाला परमेश्वर है। कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अब्राहम, उसने कहा मैं और मेरे अपने दासों से कहा यही रुको, मैं और मेरा बेटा वापस आएंगे, और पास्टर मथाई का एक बहुत अच्छा प्रचार भी है उसके ऊपर, और मेरी एक सीरीज, मैंने उसके ऊपर एक पूरे प्रचार की एक सीरीज लिखी हुई है, और उसमें देखते हैं उसका जो विश्वास है, एक ऐसा विश्वास कि वो बेटे को ले जा रहा है लेकिन फिर भी कह रहा है तुम यहीं रुको क्योंकि हम वापस आएंगे। उसके मुख में, उसके कामों में उसका विश्वास दिखता था। उसका विश्वास ये नहीं था कि मैं चढ़ा दूंगा तो परमेश्वर किसी को भेज देगा रोकने के लिए, उसका विश्वास ये था कि मैं उसे काट कर अगर जला भी दूं तो परमेश्वर वादा खिलाफी करने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है, और उसका वादा था कि तेरी संतान के द्वारा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा, तो वो परमेश्वर राख में से नए इसहाक को बनाने वाला परमेश्वर है, ये उसका विश्वास था। इन तीनों का विश्वास ये नहीं, ये इस चीज को लेके घबरा नहीं रहे थे कि हमारा प्रभु हमें बचाने के योग्य नहीं है, वो जानते थे कि प्रभु तू हमें बचा सकता है, लेकिन उनका विश्वास ये था अगर नहीं भी बचाएगा हम इस परिस्थिति में कोई समझौता नहीं करेंगे, हम जान गंवाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। क्योंकि वो इसहाक, वो अब्राहम और याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, अगर वो अब्राहम के लिए कर सकता है तो मेरे लिए भी करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह हम अपने विश्वास की यात्रा में कहां पर हैं? हो सकता है ऐसी किसी परिस्थिति में हम भी फंसे हुए हैं, या फंस जाते हैं और समझौता कर लेते हैं, लेकिन याद रखिए मसीह जीवन समझौते के लिए नहीं है। या तो आप 100% मनुष्य मसीह और उसके चेले हैं, या तो बिल्कुल नहीं है। 99.9% भी अगर आप हैं और 0.1 भी मिसिंग है तो भी नहीं है। संपूर्ण आज्ञाकारिता, संपूर्ण विश्वास योग्यता की मांग करता है परमेश्वर। वो आपसे पैसा नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, बदले में सिर्फ ये मांगता है विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता। अगर हम विश्वास योग्य बन जाएं, आज्ञाकारिता बन जाएं, वो असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। उनका उत्तर यह था, हे राजा हम नहीं झुकेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर बचाने के योग्य तो है, अगर ना भी बचाए तब भी हम नहीं झुकेंगे। आज की सुबह हम में से कितने ये हियाव के संग कह सकते, प्रभु तू मेरी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, अगर नहीं भी देगा फिर भी तू मेरा परमेश्वर है। हबक्कूक नबी की पुस्तक में लिखा है, चाहे अंजीर के वृक्ष में फल हो या ना हो, चाहे खेत खलियानों में फसल हो या ना हो, मैं फिर भी यहोवा की स्तुति करूंगा, फिर भी यहोवा की प्रशंसा करूंगा। नए नियम में पौलुस कहता है, प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूं, फिलिपियों की पत्री में, तो तेरे दुख में सहभागिता करना चाहता हूं, ये उसकी प्रार्थना थी। हम में से कौन ये प्रार्थना करता है, प्रभु मैं तेरे दुख में सहभागिता करना चाहता हूं। उसके संग दुख में सहभागिता करने का मतलब ये है
कि आपके पास कपड़े हैं तो जय मसीह की, और कपड़े नहीं हैं तो भी प्रभु तेरा नाम धन्य हो। आप बीमार हैं तो भी हाथ उठाकर गाऊंगा, और अगर स्वस्थ हैं तो भी हाथ उठाकर गाऊंगा। हालेलुया। पैसा है तो परमेश्वर तेरा नाम धन्य है, पैसा नहीं है तो भी परमेश्वर तेरा नाम धन्य है। हालेलुया। प्रभु मेरी गरीबी में भी तू मेरा परमेश्वर है, और मेरी समृद्धि में भी तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु मेरे पास बच्चा है तो भी तू मेरा परमेश्वर है, और नहीं है तो भी तू मेरा परमेश्वर है। यह है विश्वास, और अगर इस विश्वास के संग हम चलते हैं तो प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। प्रभु तू चंगा करता है, वो गीत है ना, तू चंगा करता है। प्रभु अगर तू चंगा करता है तो भी तू मेरा परमेश्वर है, लेकिन अगर तू ना चंगा करे और जिंदगी भर मुझे उस बीमारी में चलना पड़ेगा तो भी तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। याकूब ने परमेश्वर के संग जब लड़ा, परमेश्वर के दूत के संग लड़ा, तो परमेश्वर ने कहा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कई लोगों को ये लगता है उसकी आशीष इसलिए आई क्योंकि वो लड़ा, लेकिन उसकी आशीष इसलिए आई क्योंकि वो परमेश्वर को थामे रखा। कहा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, यानी अगर तुझे जाना है तो जा, लेकिन मैं तेरे संग संग आऊंगा, क्योंकि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और उसकी आशीष क्या थी? उसके कूल्हे की हड्डी को प्रभु ने एक जगह से हटा दिया। जिंदगी भर वो लंगड़ा होकर चला, लेकिन बाइबल में लिखा है एंड गॉड वॉज विद जेकब, परमेश्वर याकूब के साथ था। मैं कहता हूं भला ही है कि जिंदगी भर मैं लंगड़ा चलू लेकिन परमेश्वर मेरे संग संग चले, इसकी बजाय मैं पैरों में बराबर स्वस्थ चलू लेकिन परमेश्वर मेरे साथ ना हो। नए नियम में लिखा है प्रभु परमेश्वर कहता है कि क्या भला ही है एक मनुष्य के लिए कि वो अपने आत्मा को खोले और सारे संसार को जीत ले, लेकिन अच्छा तो यही हो पूरा संसार चला जाए लेकिन प्रभु मैं अपनी आत्मा को बचा लो। समझौता करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। चौथी बात, राजा का जो क्रोध था वो उनके ऊपर प्रकट हुआ। 19 से 23 में हम देखते हैं किस प्रकार से उसने आज्ञा दी कि भट्टी को 7 गुना बढ़ा दो, इसकी आग को 7 गुना बढ़ा दो। कई बार जब आप एक परिस्थिति से होकर निकल रहे होंगे, एक चुनौती से होकर के निकल रहे होंगे, एक बीमारी, एक तूफान आपके सामने खड़ा, एक पहाड़ खड़ा, अचानक से 7 और आ सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए, लेकिन उस 7 में भी जो विश्वास योग्य ठहरेगा आपका छुटकारा, आप उस पहाड़ पर इंतजार कर रहा है। हालेलुया। पहाड़ के एक तरफ से अब्राहम और एक तरफ से वो मेमना। ना अब्राहम मेमने को देख सकता था ना मेमना अब्राहम को, क्योंकि जिस वक्त अब्राहम देख लेता उसका विश्वास रुक जाता। और विश्वास यही है जिन चीजों को आप देख नहीं सकते लेकिन विश्वास में आपने पा लिया और जीत लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह हो सकता है हम में से कुछ हैं जो इसी परिस्थिति में है और हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु इतने साल हो गए क्यों नहीं उत्तर दे रहा है, लेकिन मैं आपसे बता दूं प्रार्थना करना मत छोड़िए क्योंकि आपकी प्रार्थना व्यर्थ में नहीं है, प्रभु उन प्रार्थनाओं को सुन रहा है और आपका छुटकारा वहीं खड़ा है। बस आंखों से, विश्वास की आंखों से देखना शुरू करें। है ना, मेरे बेटे की गवाही आप जानते हैं, ज्यादातर लोगों को पता है कि जब वो 3 महीने का पेट में था मेरी पत्नी के, तो डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया जेनेटिक, एक अनुवांशिक बीमारी से, जेनेटिक डिसऑर्डर, कभी चंगा नहीं हो सकता है, कभी चंगा, डीएनए आप बदल नहीं सकते किसी बच्चे का। और डॉक्टर्स ने जब डायग्नोस किया, मेरी पत्नी को बोला अगर लड़का पैदा होगा तो 90% है पागल पैदा होगा, और उससे पहले ही परमेश्वर हमें बता चुका था कि लड़का ही पैदा होगा। हमने कोई लिंग टेस्ट कराना यहाँ अपराध है, हमने कोई लिंग टेस्ट नहीं कराया, भ्रूण की जाँच नहीं करवाई, प्रभु ने हमको पहले ही बता दिया था कि महेन ये बेटा ही तुझे दूंगा। और अब हमें पता था, हमारी दुविधा क्या थी कि हमें पता है बेटा होगा, डॉक्टर्स कह रहे 90% पागल पैदा होगा, अगला रिस्पॉन्स ये हो सकता था कि उसको गिरा दें। लेकिन उस रात 1 बजे रात में मुझे याद है मेरी पत्नी और मैं रोकर प्रार्थना कर रहे थे, और उस रात मैंने ये विश्वास किया प्रभु तू अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है तो मेरा परमेश्वर भी है। हालेलुया। अगर अब्राहम का यह विश्वास था तू राख में से नए इसहाक को बना सकता है, तो मेरा विश्वास भी है कि तू इस मेरी वाइफ के कोख में अपने हाथ को भेजकर उस जीन को, उस डीएनए को भी बदल सकता है। हालेलुया। आपको पता है 9 महीने बाद हमने जांच कराया, जब मेरा बेटा पैदा हुआ वो डीएनए ही मेरी वाइफ के उससे हट चुका था, मतलब वो डीएनए मौजूद ही नहीं था। 3 बार वो जांच हुई, डॉक्टर्स भी अचंभित थे पीजीआई में,
पीजीआई में ये जांचें हो रही थी और डॉक्टर्स भी अचंभित थे, क्या हुआ? मैंने पलट करके बोला, आप नहीं समझ सकते, क्योंकि जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से यहोवा काम करना शुरू करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास की उस यात्रा में हम कहां हैं? परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होंगी, कई बार लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, सरकारें हमारे विरुद्ध खड़ी हो जाएंगी, लेकिन अगर हम इतना याद रखें कि सरकार किसी की भी आए लेकिन राज्य तो यहोवा का ही रहेगा। हालेलुया। तो खुशी इस चीज में होनी चाहिए कि लोकतंत्र, अभी हमारे लोकसभा का चुनाव होने जाना है, सरकार किसी की भी बने लेकिन जब तक यहोवा नहीं चाहेगा कुछ भी, एक पत्ता भी इस पृथ्वी पर हिल नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है आज भी मनुष्यों के राज में वो प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। अगर वो मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है, वो हमारे जीवनों में भी प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। राजा का क्रोध उन तीन इब्रानी जवान बेटों के ऊपर उतरा और उसने कहा 7 बार भट्टी को गर्म कर दो। कई बार जब एक परिस्थिति, एक पहाड़ टूट रहा होगा आपके ऊपर, दूसरी विपत्ति आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, लेकिन उन विपत्तियों के बीच में भी जो हाथ उठाकर परमेश्वर से कहेगा, परमेश्वर तू मेरा खुदा है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, परमेश्वर अचंभित बातों को कर दिखाने वाला परमेश्वर है। पांचवी बात जो अचंभा हम देखते हैं वो है 3:24-27 वचन में हम देखते हैं राजा एकदम भौचक्का हो जाता है, अचंभित हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि ये तीन जवान लोग जलते नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन मुझे इतना पता ये ऐसे हुआ क्योंकि जब वो देखने के लिए गया तो उसने डाले 3 थे लेकिन दिखे कितने? और चौथा कैसा दिख रहा था? मनुष्य के पुत्र के समान। पुराने नियम में मनुष्य के पुत्र का समान जो टाइटल यूज किया गया है, नए नियम में सन ऑफ मैन, वो एक्चुअली यीशु मसीह के लिए है, मसीहा के लिए है वो, ठीक है? तो कहता है अरे डाले तो 3 थे लेकिन दिख कौन रहा है? यानी उस विपत्ति में आप जो चल रहे, ये मत सोचना आप अकेले हो, उस बीमारी में आप अकेले नहीं हो, उस चुनौती में आप अकेले नहीं हो, उस सताव में आप अकेले नहीं हो, उस परेशानी में आप अकेले नहीं हो, लेकिन वो परमेश्वर आपसे पहले आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप उसके साथ चलने को तैयार है, वो आपसे पहले उस विपत्ति में जाकर आपके लिए परिस्थिति में चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप उसके संग चलोगे वो आपके संग चलना शुरू कर देगा। हालेलुया। आप उसके लिए खड़े हो जाओगे वो आपके लिए खड़ा हो जाएगा। हम विश्वास में हियाव के संग खड़े रहने पाए। वो कहता है मैंने भेजे तो 3 थे अंदर भट्टी में लेकिन दिखता 4 है और चौथा तो ऐसा दिखता है कि मानो परमेश्वर के पुत्र के समान। ये गवाही कौन दे रहा है? नबूकदनेस्सर। क्यों दे रहा है? क्योंकि 3 लोगों ने यह चुना कि हम समझौता नहीं करेंगे, यानी उनकी चुनौती के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को उस राजा के ऊपर प्रकट कर पाया। हालेलुया। और इसलिए कई बार वो चुनौतियां, वो परीक्षाएं, वो विपत्तियां, वो पहाड़, वो तूफान इसलिए जीवन में नहीं आते कि आपने कोई गलती करी है, लेकिन वो कई बार इसलिए भी आते हैं क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। वो दिखाना चाहता है कि आज भी मनुष्यों के राज में यहोवा प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। और आज जब ये नबूकदनेस्सर बोल सकता है तो आज का नबूकदनेस्सर भी यह अंगीकार कर सकता है। हालेलुया। मैं तो यही प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, इसके मुंह से भी मैं सुनना चाहता हूं कि प्रभु आज भी मसीहों का परमेश्वर स्वर्ग से प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये करने वाला परमेश्वर है। अगर हम विश्वास करेंगे परमेश्वर कर सकता है, लेकिन विश्वास काम में दिखना चाहिए, इसीलिए प्रार्थना जरूरी है। बार बार 70 दिनों में हो सकता है आप नहीं आ पाए, लेकिन आज की शाम हमको आना है। मैं मेरा ये फिर से मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इस पर जोर लगा रहा हूँ, पास्टर सैमी, पास्टर हमारे वरिष्ठ पासवान कई बार इस चीज़ पर जोर लगा सके, कृपया कर समय निकालिए। बाइबल में लिखा है जो जो तुम उस दिन को निकट आता देखो त्यों त्यों प्रार्थना और संगति में खुद को और दे दो। किस दिन की बात हो रही है? हम अंत दिनों के कुछ अंतिम पलों में जी रहे हैं। आप जितनी भी प्रोफेसीज बाइबल में वो पूरी होती जा रही हैं। तुम ग्रह युद्धों की चर्चाएं सुनोगे, सुन रहे हैं चर्चाएं युद्धों की, तुम देखोगे कि उन दिनों में पिता और बेटे में लड़ाई होगी, वो पिता बेटे को, बेटा पिता को, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आप सब ये होता हुआ देख रहे हैं, मती मती में ये सारी भविष्यवाणियां हैं, ऐसा ही कुछ हो रहा है मेरे प्रियो। अब किस बात का इंतजार है? राजा नबूकदनेस्सर जैसा व्यक्ति
जो सपना उसको अनुवाद करके दानियल ने दिया था, कहा था तू सोने का सिर है, यू आर दी हेड ऑफ गोल्ड। और वो चार किंगडम्स की बात हो रही थी, बाबुल, मिदो पर्शियन, ग्रीस, और उसके बाद आखिरी था रोम। और कहा सबसे ऊंचा तुझे ठहराया है, राइट। लेकिन जब घमंड आया, जब एरोगेंस आई, ढीठपन आया, तब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे नीचे गिराता हूं। आज भी मुझे, मेरा यह मानना है, वो परमेश्वर आज भी प्रभुता करने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनता है। अगर 2009 में तमिलनाडु में हो सकता है, जयललिता, अगर आपको याद हो, अनडिफिटेड सीएम, जिसको कोई हरा नहीं सकता था, कोई पीछे नहीं हटा सकता था, सारे मसीह विरोधी कानून को तमिलनाडु में लाने वाली लेडी, जो उसको लगा उस बार तो अनडिफिटेड है, इसीलिए सारे कानून ले आई वो। लेकिन 2009 में कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना करने, प्रेरितों के कार्य में लिखा है लॉ लगा कर के प्रार्थना करने लगी। मैं आपको बताऊं, वो पार्टी को प्रभु ने नाश कर दिया, निस्त नाबूद। जो पार्टी मेजॉरिटी में थी उसका कोई स्थान ही नहीं बचा। वो लेडी जो वहां की गॉडेसेस कहलाती थी, खुद को गॉडेसेस, कोई हरा नहीं सकता था, बाहुबली उस राज्य की, उस लेडी को घुटनों पर आना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी उस पास्टर्स से, मसीह समाज से, जिसके विरुद्ध उसने ऐसा किया था। सारे कानूनों को वापस लिया, दोबारा सरकार बनाई जब कलीसिया ने प्रार्थना किया। आज भी सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी में यीशु मसीह कहता है मुझे दे दिया गया, हालेलुया। अधिकार आपकी और मेरे पास नहीं है, यीशु मसीह के पास है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा क्योंकि तुम मेरे बेटे और बेटी हो, वो अधिकार मैं तुम्हें भी देता हूं, हालेलुया। इसलिए तुम लोगों पर हाथ रखोगे वो छंगे हो जाएंगे, यानी दिल में आप प्रार्थना कर रहे हो, बस हाथ रख दोगे वो छंगे हो जाएंगे, हालेलुया। वो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु अचंभित करने वाले, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है आज के दिन जो संभव बातों को नहीं करना है, जो असंभव बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया। भ्रष्ट मुक्त चुनाव असंभव है लेकिन प्रभु के लिए संभव है, हालेलुया। हाँ, जिनको लगता है हमारी योजनाएं सफल होंगी और हम जो भी उनके नारे हैं, हमें पता है प्रभु मनुष्यों खाली योजना बना सकता है, अंत में तेरी ही योजना, तेरी ही मर्जी पूरी होगी, हालेलुया। राजा भौचक्का रह गया क्योंकि उसने चौथे व्यक्ति को उनके साथ चलते वक्त, और वहां पर लिखा है वो चल रहे थे, यानी उनको ना कोई चीख चिल्लाने की ना, और जब उनको बाहर निकाला गया उनसे जलने की ना तो बदबू थी। वहां लिखा है, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, उनका बाल भी बाका नहीं हो सका, यानी शरीर का एक बाल भी जल नहीं सका, परमेश्वर ने उनकी रक्षा करी। जिनके जीवनों पर मेमने का लहू है और जो विश्वास योग्यता का जीवन बिताते हैं ना, उनका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। मैं कहता हूं आपसे, ये बाइबल कहती है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, वचन में लिखा है ये, कि अगर सच में हम एक सच्चे मसीह जीवन को बिता रहे हैं, सच्चे जीवन को जी रहे हैं विश्वास योग्यता के संग, परमेश्वर आपका बाल भी बाका नहीं होने देगा। इससे पहले कि आप उस भट्टी में जाओ, परमेश्वर खुद वहां जाकर अपने स्वर्गदूतों के संग आपके पास आ जाएगा आपकी रक्षा करने के लिए, हालेलुया। मुझे लगता है वो भट्टी उनके लिए गार्डन बन गई, बगीचा। वो लोग वहां पर टहल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, वो लोग बाहर भी नहीं आना चाह रहे थे। नबूकदनेस्सर को पूछना पड़ा, अरे भाई तुम तीन ही हो, तो वो लोग फिर बाहर आए। वो तो खुश हो गए कि आज हमारी भेंट परमेश्वर से हो गई, है ना। कई बार आपकी चुनौतियां, आपकी परीक्षा दूसरों के लिए एक कारण बनेगी कि वो परमेश्वर से भेंट करे, परमेश्वर से आमना सामना करे और परमेश्वर के सामने एक घोषणा को करे। पहले भी हमने राजा की एक घोषणा को देखा, सब मेरी मूर्ति के आगे दंडवत करो, लेकिन अंत में वो एक और घोषणा करता है। 28 से लेकर 30 तक मैं इसको पढ़ना चाहता हूं और इसके संग मैं समाप्त करूंगा। 28 से 30, तीसरा अध्याय। राजा ने जो पहली घोषणा करी थी वो सब मेरे मूर्ति के आगे दंडवत करो, लेकिन 28 से 30 में वो एक नई घोषणा को करता और क्या कहता है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशाक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं। फिर से वो एक नई आज्ञा दे रहा है। क्या आज्ञा दे रहा है? कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशाक और अबेदनगो के परमेश्वर के की कुछ निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर धूर बना दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके।
तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशाक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया, क्योंकि ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो ऐसे बचा सके, और अगर कोई उस परमेश्वर के विरुद्ध मेरे राज में बोलेगा तो मैं उसे मरवा दूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे प्रियो, आज भी हम ऐसी ही कुछ परिस्थिति में जी रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नबूकदनेज़र की तरह उठ खड़े हुए हैं, और जिन्हें बड़ा घमंड है और जिन्हें लगता है कि हमें कोई नहीं हटा सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आज भी मनुष्यों के राज्य में प्रभुता रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हिरोद जैसा राजा, आपको पता है ना उसकी मृत्यु कैसे हुई? नहीं पता तो प्रेरितों के कार्य पढ़िए प्लीज, आपको पता चलेगा कैसे मृत्यु हुई उसकी। कीड़े पड़ गए 3 दिन, वो एकदम से नहीं मरा, 3 दिन अंदर ही से कीड़े उसे खा रहे थे, क्योंकि उसे लगा कि वो परमेश्वर के विरुद्ध लोगों को, परमेश्वर की महिमा उसने चुराई। उसमें लिखा ही टुक द ऑनर द ग्लोरी दैट गॉड डिजर्व्ड, है ना। तो हमें याद रखना है, जब परमेश्वर की महिमा को कोई और लेने की कोशिश करता है, परमेश्वर अभी भी स्वर्ग में विराजमान है। जज इतिहास इस चीज का गवाह आप पन्ने उठाकर देख सकते हैं कि चाहे वो स्टैलियन था, चाहे वो हिटलर था, चाहे वो नेपोलियन बोनापार्ट था, और चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट रहा हो, और चाहे वो केसर न्यूरो रहा हो, कोई भी मसीहत को खत्म करने में आगे नहीं बढ़ पाया। हालेलुया। लेकिन सताव जब जब सताव हुआ, तब तब कलीसिया और बढ़ती चली गई। हालेलुया। तो कलीसिया बढ़ रही है, और इस साल का शीर्षक क्या है जैसा परवेश पाजवा ने बनाया? बढ़ना और फैलना। और हो सकता है प्रभु इसीलिए सताव की अनुमति देता है, क्योंकि कलीसिया का बढ़ना जरूरी है। सताव कभी कलीसिया को रोक नहीं पाया, लेकिन सताव में तो लोग और बढ़ते चले गए। जहां जहां विश्वासी गए, वहां वहां मंडलियां बनती चली गई, वहां वहां सुसमाचार फैलता चला गया। और आज भी जैसा पास्टर सैमी बता रहे थे, किसी का धर्म परिवर्तन यहां नहीं होता है। ये मंदिर सबके लिए खुला है, ये भवन सबके खुला है, चाहे वो हिंदू हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कम्युनिटी का, हम सबका आदर करते, सबको यहां न्योता देते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम उनको ये जरूर बताते हैं, अगर आप यहां आए हो तो हम किस आधार पर, किस पद्धति के अनुसार उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम बताते हैं कि हम उस यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करते हैं जो तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा और आज भी जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। और अपने लोगों के बीच चलता है, काम करता है, और जो उस पर विश्वास करते हैं, जैसा बाइबल में लिखा है, पास्टर सैमी पहली सभा में ये प्रचार भी कर रहे थे, एक अद्भुत प्रचार, उसमें बताया यूहन्ना रचित सुसमाचार, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है ईसाइयों से प्रेम किया, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि मसीहों से प्रेम किया, उसमें लिखा है परमेश्वर ने जगत से, मैं और अच्छा शब्द ले आऊं तो परमेश्वर ने पूरी मानव जाति से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को उसके लिए दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे उसका नाश ना हो लेकिन वो आनंद जीवन पाए। हालेलुया। और इसीलिए हम उस यीशु मसीह की आराधना करते हैं। वो धर्म बदलने वाला नहीं है, क्योंकि मसीहत कोई धर्म है ही नहीं, ये तो एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन है, जिस पद्धति है जिसको हम इस विश्वास, इस बाइबल के आधार पर जीते हैं। ये बाइबल हमारा सिद्धांत है, ये बाइबल हमारा जीवन है, ठीक है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज की शाम हमारे इस विश्वास की यात्रा में हम जहां कहीं भी हैं, इस सताव के बीच में, इन चुनौतियों के बीच में, हम विश्वास को ना हारें, लेकिन पलट कर उस यहोवा की ओर देखें जो आज भी मनुष्यों के राज में प्रबलता करने वाला परमेश्वर। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। कुछ समय लेकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। 1-2 मिनट से पहले कि हम लोग बाहर जाएं, मैं चाहता हम लोग कुछ समय लेकर प्रार्थना करें, अपने जीवनों को समर्पित करें। हो सकता है किसी बात के लिए हम बड़े लंबे समय से प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं, कोई बीमारी है, कोई परिस्थिति है, कोई चुनौती है, कोई मुश्किल है, कोई समस्या है, हम परमेश्वर से सवाल पूछे, प्रभु तो आप कब उत्तर देंगे। हम सवाल ना पूछे, सिर्फ विश्वास करें और विश्वास की आंखों से देखना शुरू करें, क्योंकि विश्वास में वो सारी बातें हो चुकी हैं। हालेलुया, हालेलुया, आज की सुबह हालेलुया, हालेलुया। हो रिखा बाबा बा शिखे रे बेबे शांदर बो रिखा रबा। आइए अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।